मोर्टार, तो मोर्टार होता है ओनली सीमेंट और सैंड का मिक्सचर, ठीक है, सीमेंट एंड सैंड का मिक्सचर, ठीक है, या फिर अगर लाइम प्लास्ट लाइम मोर्टार है तो लाइम एंड सैंड का मिक्सचर। कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट सैंड के साथ साथ एग्रीगेट्स भी होते हैं, ठीक है, उसके अंदर एग्रीगेट्स भी होते हैं, तो सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट्स, इस तरह से कंक्रीट बनता है। और सैंड किसे बोल मोटा सिंपल मोर्टार क्या होता है, सीमेंट प्लस सैंड ओनली, ठीक है। सैंड के टाइप्स होते हैं अलग अलग, प्लास्टर के यूज़ के अकॉर्डिंग वो सीमेंट के सैंड के टाइप भी चेंज होते हैं, लेकिन मेन जो बाइंडिंग मटेरियल आता है वो सीमेंट होता है, सैंड होता है। मोर्टार से ही प्लास्ट, जो मोर्टार होता है वही प्लास्टर के काम आता है, वही प्लास्टरिंग के काम आता है। अब है मोर्टार, बिल्डिंग मोर्टार आर मिक्सचर यूज फॉर जॉइनिंग जॉइनिंग ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। स्टोन और जो ब्रिक्स को जॉइन करने के लिए बनाया जाता है। अ पेस्ट ऑब्टेन बाय एडिंग मोर्टार टू अ मिक्सचर ऑफ फाइन एग्रीगेट सच एज सैंड एंड बाइंडिंग मटेरियल्स। अब देखो, तीन चीज़ें बताई थी मैंने, सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स। आपको घबराना इसलिए नहीं है, कई जगह आपको सैंड मोर्टार के अंदर सैंड की जगह फाइन एग्रीगेट्स लिखे हुए मिलेंगे। तो आप बोलोगे सर ये फाइन एग्रीगेट्स कहाँ से आ गए, एग्रीगेट तो होते ही नहीं है। असल में कई जगह सैंड को फाइन एग्रीगेट से टर्म से डिनोट करते हैं, क्योंकि सैंड होती है उसके पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं। कई जगहों पे सैंड के पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं तो उसको फाइन एग्रीगेट मान के काम में लेते हैं, या फिर एग्रीगेट्स का ही क्रश बना लिया जाता है। जो आपकी रोड़ी होती है, एग्रीगेट्स होते हैं उसका क्रश बना के बिल्कुल छोटे पार्टिकल करते हैं, जैसे बजरी होती है अपने राजस्थान में, उस टाइप के पार्टिकल हो जाते हैं वो, तो वो भी सैंड है एक तरह से, तो फाइन एग्रीगेट्स भी हो सकते हैं, सैंड भी हो सकते हैं। द पिरामिड ऑफ द इजिप्ट हैव बीन बिल्ड विद क्ले जिप्सम, जिप्सम लाइम लाइम मोर्टार। इसकी इमेज दिखाऊंगा मैं आपको, कि पहले जो स्टोन मैसनरी का सबसे पुराना एग्जाम्पल है पिरामिड्स की बात करें तो किस तरह से बने हुए। द सेफ्टी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग वॉल और एंड स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द मोर्टार यूज एज बिल्डिंग मीडियम। सेफ्टी और स्ट्रेंथ किस पर एंड ड्यूरेबिलिटी वो किस पर डिपेंड करती है, क्वालिटी ऑफ मोर्टार के ऊपर। अब प्लास्टर क्या होता है, इट इज़ अ लीन मोर्टार दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर द स्पेसिफिक यूज ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑन द इनर और आउटर फेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन। मोर्टार और प्लास्टर का काम क्या होता है, इनर और आउटर फेस ऑफ प्रोटेक्ट करना। अब मोर्टार अलग टाइप के होते हैं, जैसे ये मैंने बताया था पिरामिड ऑफ इजिप्ट हैव बीन बिल्ड विद द क्ले जिप्सम मोर्टार। तो ये दिख रहा है, इसमें दिखा रहा है, देखो क्ले जिप्सम मोर्टार से ज्वाइंट कर रखा है, क्योंकि आपने कभी गौर किया हो, क्योंकि देखो बिल्डिंग में आपका सिविल इंजीनियरिंग या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग मटेरियल सिर्फ यही नहीं है कि ये आपने सिर्फ 4 साल पढ़ाई करके बुक से पढ़ लिया और फिर सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गए। आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दुनिया में चल क्या रहा है और दुनिया में चल क्या रहा था। आज भले ही जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पहले ना हो, ठीक है, इतनी ज़्यादा आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ना हो, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग आपके जब हज़ारों साल से है, ठीक है। आप जब अपनी एंशंट चीज़ें पढ़ोगे, मैं ये पिरामिड का एग्जांपल नॉर्मली दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप जयपुर की बात करें या राजस्थान में कहीं रहते हैं तो राजस्थान में कॉमन चीज़ का फोर्ट, ठीक है, हर जगह फोर्ट मिलेंगे आपको। फोर्ट बने कैसे, स्टोन मैसनरी है। स्टोन मैसनरी में क्या है, स्टोन मैसनरी में कभी सीमेंट प्लास्टर नहीं रुकता है, उस पर लाइम प्लास्टर करते हैं। तो आप आराम से उस पर रिसर्च करके पढ़ सकते हो कि कैसे कंस्ट्रक्शन किया गया है, कैसे वो आज तक स्टेबल है, हज़ारों साल से सैकड़ों साल से स्टेबल है। आज आप अपना घर बना लेते हैं सीमेंट का, वो 10 साल बाद तो रिपेयरिंग माल लग जाता है, कभी लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कभी क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस केस में क्या होता है, हाँ ये जो पुराना स्ट्रक्चर है इसको हमने कैसे यूज़ में ले, वो कैसे बनाया गया था, ठीक है, तो उस टेक्निक के बेस पे ही हमने कई सारी मॉडर्न टेक्निक्स बनाई। तो ये इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है पिरामिड का, वो स्टोन्स वगैरह को जॉइंट करके बनाया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया गया था कि जो जिप्सम जिप्सम मेटेरियल होता है वो क्ले में मिला के, मिट्टी के अंदर जिप्सम मिला के मेरा बनाया गया था। पहले सीमेंट तो होते नहीं थी, तो क्ले प्लास्टर और क्ले बाइंडिंग मटेरियल होता है। आपने देखा गांव में कभी भी आज जो छोटे मोटेपन जो बनाते हैं, छोटे मोटे खेत के अंदर झोपड़े बना लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, ब्रिक के साथ में क्या करते हैं, मड का मोर्टार में डालते हैं या क्ले का मोर्टार बना के लगा देते हैं। अब फंक्शन क्या क्या है, इट प्रोवाइड्स बाइंडिंग फोर्स और कोहिजन बिटवीन द स्ट्रक्चरल यूनिट्स, इट एक्ट्स एज ए मीडियम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द फोर्सेज थ्रू आउट द स्ट्रक्चर यूनिफॉर्मली, लोड को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है।
एडिशनल स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रेन पेनिट्रेशन एंड अदर सच वेदरिंग एजेंसीज, एडिशनल स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, किसके किसके लिए? रेन पेनिट्रेशन, बारिश के पानी अंदर ना घुसे, एक प्लास्टर सरफेस प्रोवाइड करवाता है, एंड अदर सच वेदरिंग एजेंसीज, और अदर दूसरी धूप सर्दी गर्मी और भी चीज़ें हैं उसको भी अंदर घुसे डायरेक्ट बचाता है कि आउटर सरफेस पे प्लास्टर करने से फ़ायदा क्या क्या होगा कि एकदम से आपकी पानी है सीलन जो है बिल्डिंग के अंदर नहीं आएगी, पानी डायरेक्ट नहीं घुसेगा अंदर, ठीक है। दूसरी बात, आपका सैंड और हॉट वेदर और क्या कोल्ड वेदर हो तो डायरेक्ट धूप से एकदम से ब्रिक्स वगैरह गर्म नहीं होगी और ज़्यादा ठंड से भी प्रॉब्लम ना होगी। इन स्टोन्स और ब्रिक मेसनरी इट फिल्स अप एम्प्टी जॉइंट्स एंड थिन लिक्विड मोर्टार यूज फॉर सच पर्पज, मेसनरी चिनाई, ठीक है। तो ये जो मेसनरी है जॉइंट्स फिल करती है, मतलब दो ब्रिक्स लगाए आपने, दो स्टोन्स लगाए तो दो जॉइंट, अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो स्टोन कभी नॉर्मली जो नेचुरल स्टोन है कभी यूनिफॉर्म नहीं होता, एक के ऊपर एक स्टोन लगाओगे ना आप तो उसमें गैप तो बीच में रहेगा ही रहेगा, ब्रिक में तो एक बार मान लेते हैं कि नहीं रहता, ठीक है। अब क्योंकि ब्रिक होती है मेन मेड होती है तो हम क्या करेंगे, अच्छे से अच्छी ब्रिक बना लेंगे, नहीं है उसके अंदर भाई सीमेंट प्लावा मोटर के जगह कुछ और यूज़ में ले लेंगे, लेकिन सैंड जो आपका सॉरी जो आपके स्टोन है, स्टोन तो अनइवन होते हैं नेचुरल स्टोन, उनके बीच में आप एक के ऊपर एक स्टोन रखोगे तो वो गैप जरूर रहेगा, तो गैप फिल करने काम आता है। फंक्शन क्या क्या है इसके मोटर के, क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोटर, एक अच्छे मोटर के लिए कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। द मोटर मिक्स शुड बी इजीली वर्केबल, ठीक है, इजीली ट्रांसपोर्टेड टू प्लेस टू ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो द मोटर मिक्स शुड बी इजीली वर्केबल, इजीली ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस ऑफ एप्लीकेशन, इजीली वर्केबल हो और ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट करके कहीं नहीं आ सकते। अब वर्केबल में समझाऊँ कि जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है, अपन लोग आटा गूंथते हैं, ठीक है, आटा गूंथते हैं, अपन ने से पानी मिलाया, आटा गूंथ लिया, थोड़ी देर बाद जब उसमें पानी मिक्स होता है स्टार्टिंग के अंदर बहुत नरम होता है, आराम से किसी भी शेप में डालो, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है उसके अंदर पानी उड़ जाता है तो बहुत कड़क सा हो जाता है, ठीक है। अब कड़क होने से क्या होता है कि उसको बेलना और उसको बनाना लूज सब चीज़ मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो मैं हाउस होल्ड का एग्जाम्पल बताऊँ, वो सेम मोटर और कॉन्क्रीट रिएक्ट करती है इस तरह से, उसमें जब स्टार्टिंग में जब आप बिल्कुल फ्रेश मोटर बनाते हो या फ्रेश कंक्रीट का मिक्सचर बनाते हो तो उस टाइम तो वो ईजिली वर्केबल, मतलब उस पर आराम से काम करते हैं, उसको मिला लो, उसको उठा के आराम से दीवार पे सेट कर लो और उसको दीवार पे लगा के फैला लो, हो जाएगा, बहुत ईजिली होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, अगर थोड़े आधे घंटे बाद क्या होगा, वाटर उसका कंटेंट उड़ने लगेगा और फिर उसको लगाओगे इसके ऊपर डाल तो कड़क सा हो जाएगा, फैलेगा नहीं ढंग से, तो वर्केबिलिटी कहलाती है कॉन्क्रीट या मोटर की। इतना अपन को मिक्सिंग इस तरह से मिक्सिंग बनाना है कि ट्रांसपोर्ट हो जाए। इट शुड डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ इन टेंशन कंप्रेशन एंड बॉन्ड फॉर द वर्क फॉर विच इट इज यूज्ड। इसमें क्या है कि स्ट्रेंथ ऐसी हो कि टेंशन और कंप्रेशन दोनों के अंदर अच्छे से वर्क करे, ठीक है। इट शुड बी सफिशेंटली प्लास्टिक मटेरियल होना चाहिए, इजिली प्लेस्ड ऑन द बेड, आराम से कहीं बेड मतलब बेड से जहाँ बिछाना है इसको, बेड ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ थिन स्मूथ एंड यूनिफॉर्म लेयर। इतना अच्छे से मसाला बना हुआ हो ये है कि आप उसको कहीं भी बिछा सकें और थिन यानी पतला और स्मूथ, ठीक है, स्मूथ सेंस आराम से फैल जाए, यूनिफॉर्म लेयर सीधा सीधा बना हुआ ऊपर नीचे ना हो। इट शुड बी केपेबल ऑफ रिटेनिंग सफिशेंट वाटर ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, ठीक है। जब इसको काम में लिया जा रहा हो या लेने के लिए भेजा जा रहा हो इसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो वाटर को थोड़ी देर रिटेन कर ले, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लीकेज सा हो गया और पानी अलग से बहने लग गया या फिर धूप की वजह से गर्मी की वजह से पानी बहुत जल्दी उड़ गया। तो ये अच्छी प्रॉपर्टीज है ये इसकी मोटर की, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी गुड मोटर, ये देखो इसे वर्केबिलिटी शो कर रहा है कि ईजिली इसको फैला रहा है, ठीक है, ये बता रहा है कि मिक्सिंग किस तरह से हुई। अभी दोनों फर्क है, देखो ये जो फैला रहा है इसमें थोड़ा पतला सैंड की क्वालिटी थोड़ी हल्की है, ठीक है, हल्की सैंड मतलब पार्टिकल साइज छोटा है, और जो ये दिख रहा है इसमें मोटा अलग से है। तो यूज़ के अकॉर्डिंग है, चिनाई वाला टाइप के सैंड यूज़ में आती है और प्लास्टिक वाला टाइप की सैंड यूज़ में आती है। क्वालिटीज वापस हम पढ़ेंगे, इट शुड बी ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग इट सेल्फ ऑन ड्राइंग एंड हार्डनिंग एट द सेम टाइम, इट शुड नॉट रिएक्ट इन द वेदर कंस्ट्रक्शन यूनिट्स।
इट शुड बी ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग इन इटसेल्फ। इसमें अपने आप स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्राइंग इन हार्डनिंग, मतलब इतना कैपेबल हो कि खुद सूख के हार्ड हो जाए सेम टाइम के ऊपर। इट शुड नॉट रिएक्ट इन एनी वे विद द कंस्ट्रक्शन यूनिट्स, किसी और चीज़ के साथ मिलकर वो रिएक्शन ना करें। इट शुड सेट एंड हार्डन क्विकली, ये हार्ड जल्दी से जल्दी सेट हो जाए और हार्ड क्विकली हो जाए। ठीक है, हार्ड हो जाए और सेट हो जाए, तो कुछ दो चीज़ समझने की बात है। एक तो होता है नॉर्मल टाइम, एक होता है फास्ट टाइम। मैंने आपको पहले बताया था कि POP वगैरह पढ़ा था कि सीमेंट बहुत ज़्यादा का जल्दी फास्ट हार्ड हो रही है तो मतलब इसकी स्ट्रेंथ कम गेन करेगी। सीमेंट जितना धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ गेन करेगी उतना ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ देगी। लेकिन एक इतना तो हो कि इनिशियल सेटिंग टाइम थोड़ा जल्दी हो। दो तरह के टाइम होते हैं सीमेंट में, किसी मिक्सचर में दो तरह के सेटिंग टाइम होते हैं, मतलब सूखने के दो टाइम होते हैं। एक तो इनिशियल सेटिंग टाइम, एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम जल्दी चलता है। इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब आपने ब्रिक्स वगैरह ले कर रहे हो, आप बना रहे हो, प्लास्टर कर रहे हो, तो उसमें हल्की सी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए। स्ट्रेंथ होने से क्या, डेवलप होने से क्या होगा कि वो दीवार पर चिपका रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी उतना नहीं है कि आप वो बिल्कुल आप उसको कुछ मारोगे या हाथ लगाओगे तो गिर सकता है वो। लेकिन वो सेटिंग शुरू हो गई है उसकी, इनिशियल सेटिंग टाइम शुरू हो गया उसका। फाइनल सेटिंग टाइम मतलब कि इसकी 28 दिन के बाद उसकी तराई वराई या क्यूरिंग, तराई क्यूरिंग करने के बाद में, क्यूरिंग बोलते तराई करने को, क्यूरिंग वूरिंग करने के बाद में उसने स्ट्रेंथ ले ली है, तो ये फाइनल सेटिंग टाइम कहलाता है। तो एक डिजायरेबल टाइम हो कि भाई हाँ ठीक है सही टाइम पे सूख रहा है। इट शुड नॉट डेवलप एनी क्रैक्स ऑन ड्राइंग एंड शुड बी एबल टू मेंटेन देयर अपीयरेंस फॉर क्वाइट ए लॉन्ग पीरियड। सूखने के ऊपर मोर्टार के अंदर पहली बात तो ये कि क्रैक डेवलप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये लॉन्ग पीरियड तक मेंटेन रहे वॉल के ऊपर। इट शुड बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग द डिजाइन स्टेप, डिजाइन स्टेप को डेवलप करने में कैपेबल हो। इट शुड बी इकोनॉमिकल टू मेक विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ एनी अदर क्वालिटी, मतलब इकोनॉमिकल भी हो। ठीक है, इकोनॉमिकल हो किसके साथ, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए इकोनॉमिकल होना चाहिए। बिल्डिंग मटेरियल में फिर क्या, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिकल तभी बनता है जब वहाँ पर आप लोकल मटेरियल अवेलेबल, लोकल मटेरियल को यूज़ मिलो। आपने ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया, चीज़ें बाहर से मंगवाना शुरू कर दी, तो आपका कंस्ट्रक्शन का जो कंस्ट्रक्शन है वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। अब है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मोर्टार, किस किस टाइप के मोर्टार होते हैं। पहला है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल के टाइप के ऊपर। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द जॉब, मोर्टार में बी मेड बाय यूजिंग वन मोर सीमेंटिंग मटेरियल, वो है लाइम। तो लाइम मोर्टार दो टाइप के, लाइम मोर्टार क्या हो गया, लाइम मोर्टार क्या आर मिक्सचर ऑफ फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम सैंड एंड मोर्टार। तो लाइम मोर्टार क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ या तो फैट लाइम या हाइड्रोलिक लाइम, इसके साथ मिक्स सैंड और वाटर के साथ, वाटर होता ही है, वाटर बोलने की जरूरत नहीं होती आपको। फैट लाइम, फैट लाइम क्या होता है, रिक्वायर्स लॉस ऑफ मॉइस्चर, नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन इन डैम्प एंड मॉइस्ट कंडीशन, सुटेबल ओनली फॉर द जॉइंट्स इन द ब्रिकवर्क, लाइट कलर डू नॉट कॉज द एफ्लोरेंस। अब इसमें क्या है कि फैट लाइम आपका कहाँ पर काम आता है, जॉइंट्स वगैरह को फिल करने में। ठीक है, ये देखो लाइम मोर्टार देखी, हाइड्रोलिक लाइम सुटेबल फॉर डैम कंडीशन, डैम कंडीशन के लिए सुटेबल होता है। उसके बाद दो टाइप के होगा, फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम। सीमेंट मोर्टार, सीमेंट मोर्टार क्या होता है, आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पोर्टलैंड सीमेंट और इट्स वेराइटीज सैंड एंड वेट वाटर। तो जो भी सीमेंट मोटर मोटर आप जानते ही हो कि पोर्टलैंड सीमेंट होती है। ठीक है, OPC, PPC और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, और जो सुर्खी होती है, सुर्खी मोटर क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको, आपको जयपुर में देखने को मिल जाएगा। एक रेड कलर का सुर्खी जिसे बोलते हैं, सुर्खी असल में लाल, सुर्ख सुर्ख सुर्खी वर्ड है, सुर्ख सुर्ख उर्दू वर्ड है, सुर्ख मतलब होता है लाल, गहरा लाल। ठीक है, तो ये जो जो इसमें मेटल होता है वाइट, ये जो सैंड मिलाई जाती है इसके अंदर, ये रेड कलर की होती है, तो सुर्खी होती है। तो व्हाट इज सुर्ख, सुर्खी मोटर ऑर्डिनरी टाइप ऑफ मोटर वेयर सैंड इज पार्टलरी और होली रिप्लेस बाय सुर्खी, मतलब पार्टलरी होली मतलब जो सुर्खी है उससे रिप्लेस कर दिया जाए। सुर्खी एक तरह की सैंड ही होती है पाउडरी फॉर्म में, जो सुर्खी होती है ब्रिक का जो लाल रंग होता है सुर्खी की वजह से ही होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए आप, ब्रिक का जो लाल रंग है वो सुर्खी की वजह से होता है, इसके ऊपर वो मेटल यूज में लिया जाता है। सुर्खी मोर्टार है, इसको पार्शली
या तो कुछ पोर्शन सैंड के साथ या पूरी तरह रिप्लेस करके से बना दिया जाता है। द रेशियो ऑफ लाइम टू सुर्खी विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ लाइम एंड सुर्खी, लाइम के साथ जो सुर्खी मिक्स करोगे वो जॉब पर डिपेंड करेगा किस टाइप का काम करना है। इट कैन नॉट बी यूज टू मेक मोटर विद सीमेंट, सीमेंट के साथ यूज में आता नहीं। इट इज रिएक्टिव टू सम सीमेंटिंग मटेरियल, यानी किसी के साथ रिएक्ट कर देता है। रिएक्ट करने से क्या होता है, मसाला खराब रहता है। कॉमनली यूज फाउंडेशन वर्क, जनरली फाउंडेशन वर्क में यूज में आता है। अब सुर्खी का आपको प्लास्टर देखना हो तो जयपुर तो पूरा जयपुर है जिसमें सुर्खी मिक्स के साथ, तो जयपुर का जो रेड कलर है जो जयपुर पिंक सिटी बोला जाता है उसमें यही है कि जो पिंक कलर कैसा आ रहा है वो पिंक कलर सुर्खी से ही आता है। आपका मोर्टार लाइम मोर्टार के साथ सैंड प्लस सुर्खी मिक्स कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपका कलर बन जाता है। अब जो जनरल अपन को पढ़ना है वो है सीमेंट मोर्टार, सुर्खी मोर्टार। अब सीमेंट मोर्टार के टाइप कौन कौन से होते हैं, पहला आता है बिल्डिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग, ये है जिप्सम मोर्टार। आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम और अनहाइड्राइड बाइंडिंग मटेरियल, अनहाइड्राइड बाइंडिंग मटेरियल हो, ठीक है, और जिप्सम हो। रेयरली यूज इन टफ कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन एज पर प्लास्टर, टफ कंडीशन में यूज आता है जहाँ पर बहुत टफ प्लास्टर चाहिए होता है। जिप्सम जहाँ पर मिक्स होता है वहाँ टफनेस बढ़ी आती है जिप्सम प्लास्टर की, ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है। तो जहाँ पर रियल सच में टफ प्लास्टर चाहिए होता है वहाँ जिप्सम मिक्स करते हैं। गेज्ड मोर्टार्स आर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग पोर्टलैंड सीमेंट एंड द लाइम टुगेदर। अब गेज्ड मोर्टार देखो समझने की बात है, वो मोर्टार जिसके अंदर पोर्टलैंड सीमेंट, जो अपन जनरल सीमेंट यूज में लेते हैं उसे पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, पोर्टलैंड एंड लाइम टुगेदर, लाइम को साथ मिक्स कर, इन प्रॉपरली डिटरमाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ बाइंडिंग मेटल, स्ट्रॉन्गर डेंसर एंड ड्यूरेबल देन द ऑर्डिनरी लाइम मोर्टार। अब इसमें क्या होता है कि लाइम मोर्टार को थोड़ा आपको मजबूत बनाना है और ज़्यादा, तो उसके साथ एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर डिज़ाइन जो होती है उसमें सीमेंट मिला के मोर्टार बना लिया जाता है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। कंपोजिट मोर्टार में भी सुर्खी मोर्टार, लाइम वाटर मोर्टार, लाइम सुर्खी, मतलब कोई भी दो टाइप के मोर्टार जब एक साथ यूज में आते हैं अच्छी तरह प्रॉपरली, ठीक है, ये कंपोजिट मोर्टार कहलाएगा। गेज मोर्टार और कंपोजिट में फ़र्क ये है कि गेज में तो कुछ परसेंटेज थोड़ा सा लाइम मोर्टार के साथ मिला लेते हैं ताकि वो मजबूती बढ़ जाए, लेकिन जो गेज कंपोजिट मोर्टार है उसमें बराबर क्वांटिटी मिला लेते हैं, ठीक है। ये देखो वाइट वाला, ठीक है, ये गेज मोर्टार हो गया। अब जो टाइप अपन ने दो, एक तो पहले अपन ने बिल्डिंग मेटल के अकॉर्डिंग टाइप पढ़ा कि लाइम मोर्टार और सीमेंट मोर्टार, फिर अपन ने पढ़ा जिप्सम मोर्टार और इसके टाइप्स के मिक्सिंग टाइप के अकॉर्डिंग अपन ने मोर्टार पढ़े, जिसमें अपना गेज मोर्टार था, कंबाइंड मोर्टार था, जिप्सम मोर्टार था। अपन टाइप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। ब्रिक लेइंग और मेसनरी मोर्टार, सबसे पहले आ गया ब्रिक लेइंग और मेसनरी। मेसनरी चिनाई में जो ब्रिक मेसनरी में जो मोर्टार काम आता वो है। मेन मोर्टार्स यूज एज बिल्डिंग मीडियम बिटवीन द ब्रिक मेसनरी यूनिट्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन वॉल्स। कहाँ पर यूज में आता है, फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन वॉल्स के अंदर जॉइंट्स को फिल करने के, इनको दोनों को बाइंड करने का काम आता है। फिनिश मोर्टार प्लास्टर, वो मोर्टार जो डायरेक्ट जो फिनिश करने के काम आता है वॉल सरफेस वगैरह को, ठीक है। आर्लीन मोर्टार यूज टू प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर वॉल्स एंड ऑल्सो इन द ऑर्नामेंटल वर्क फॉर द आर्किटेक्चर पर्पज। चिनाई देखी सबने किस तरह यूज में आता है, प्लास्टर फिर सरफेस के काम आ गया। अब है डेंसिटी के अकॉर्डिंग, वैसे जनरली इसका पॉइंट बनता नहीं लेकिन ये मैं बता देता हूँ, बेस्ट ऑन डेंसिटी ऑफ मोटर। डेंसिटी के अकॉर्डिंग पहली बात हैवी मोटर, हैवी मोटर मतलब पल्स डेंसिटी ग्रेटर देन 1500 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हैवी सेंस मतलब ये है, जो क्वान्टिटी मेजर होती है मोटर की या आपकी कंक्रीट की वो मीटर क्यूब में होती है, मतलब एक मीटर बाय एक मीटर बाय एक मीटर में कितनी क्वांटिटी आ रही है, कितना केजी वेट आ रहा है इसका, ऐसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमेशा क्यूबिक निकाला जाता है। मैंने कहा कि यार 10 फाउंडेशन मुझे कास्ट करनी है, ठीक है, तो 10 फाउंडेशन अगर आपको कास्ट करनी है तो आप इसकी कैलकुलेशन कैसे निकालोगे, कितनी कॉन्क्रीट लगे, वो जो कॉन्क्रीट की आप कैलकुलेशन करोगे कि कितनी कॉन्क्रीट लगेगी वो मीटर क्यूब में आती है हमेशा, कि इतनी मीटर क्यूब आपकी क्वांटिटी लगेगी फाउंडेशन बनाने में, एक कॉलम बनाने में, या फिर मोर्टार की बात करें तो इतना मीटर क्यूब मोर्टार लगेगा प्लास्टर वर्क में,
ठीक है, तो उसको मीटर क्यूब में डिनोट मेजर करते हैं हमेशा। ठीक है, तो उसमें जो हैवी मोटर क्या होता है, उसमें इसका जिसका वेट 1500 किलोमीटर क्यूब से ज़्यादा हो, ठीक है, इसमें एग्रीगेट कौन से यूज़ में आते हैं, हैवी क्वार्ट्स और सैंड, मतलब इसमें भारी तो पत्थर यूज़ में लेते हैं और भारी सैंड, यूज़ इन लोड बेरिंग कंस्ट्रक्शन, किस में यूज़ में आता है, लोड बेरिंग कंस्ट्रक्शन में। अब मोटर की बात कर रहे हैं, अब इसमें हैवी यूज़ करने का मतलब क्या है, हैवी क्वार्ट्स सैंड, इसमें मतलब हैवी सैंड यूज़ में लेते हैं। अब हैवी सैंड से, अब पहली बात है लोड बेरिंग, मैं पहले बता चुका हूँ, दो टाइप के स्ट्रक्चर होता है आपके, पहला होता है लोड बेरिंग और दूसरा होता है आपका फ्रेम। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जिसमें कॉलम बीम नहीं होते हैं, 9 इंच की वॉल की चिनाई होती है, मतलब डबल ब्रिक की चिनाई होती है, डायरेक्टली उस पर छत छत टिका दी जाती है, क्योंकि जो दीवार होती है मोटी होती है, तो सारा लोड बियर वॉल्स के थ्रू होता है, तो ये लोड बेरिंग वॉल कहलाती है। ठीक है, उस पर पूरा आपका स्लैब टिकी हुई होती है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें सारा लोड दीवारों पर आता है, दीवारों से फाउंडेशन में जाता है। अब जो जो आपका फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर में टोटल लोड आता है आपका बीम और कॉलम के ऊपर, जनरली आपके घर हो, जनरली जो रेजिडेंस बन रहे हैं आजकल वो फ्रेम ही बनते हैं। इसमें सारा लोड पहले बीम पे आएगा, बीम से कॉलम में जाएगा, कॉलम से फाउंडेशन में जाएगा। इसमें वॉल्स का कोई रोल नहीं होता है। आपने बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स हॉल देखे होंगे, उसमें पार्टीशन ऑफिस देखे होंगे, पार्टीशन वुड के होते हैं, वुड के वुड पार्टीशन कर दिया, एल्यूमिनियम पार्टीशन कर दिया, क्योंकि वहाँ वॉल की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ लोड वॉल के ऊपर आ ही नहीं रहा है। जहाँ पर सारा लोड कॉलम बीम के ऊपर आता है, वहाँ पर वॉल का कोई रोल होता ही नहीं है। आप अपने घर की बात करें तो वॉल की ज़रूरत ही नहीं है आपको, अगर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है, आप उस किसी भी टाइप का पार्टीशन कर सकते, जरूरत नहीं ब्रिक हाउस के अंदर। ठीक है, तो ये हैवी मोटर, तो इसमें क्या होता है कि सारा लोड जब दीवार पे आ रहा है, तो जो मोटर अपन यूज़ में ले रहे हैं चिनाई के अंदर, वो अच्छा होना चाहिए, मजबूत, भारी भारी पार्टिकल होंगे तो वो लोड बेयर कर आराम से कर लेंगे। तो सारा लोड जब दीवारों पे आ रहा है, तो वहाँ पर हैवी मोटर लगाते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ हैवी मोटर। ये होता है एक्स रे शील्डिंग मोटार्स, बल्क डेंसिटी कितनी होती है, 2200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और मोर। जहाँ पर रेडिएशन वर्क होता है, एक्सरे मशीन का काम होता है, या फिर रेडिएशन का काम होता है, रेडिएशन निकलती है, वहाँ पर किस टाइप का कौन सा मोटर आता है, बहुत ज़्यादा हैवी, उसमें सैंड बहुत ज़्यादा हैवी भारी पार्टिकल की यूज़ में ली जाती है, और उसका वेट होता है 2200 kg per meter cube। ठीक है, लाइट वेट 1500 किलोग्राम मीटर क्यूब से जो कम हल्का जो मोटर होते हैं पर मीटर क्यूब में, वो लाइट वेट के लाते हैं। इसमें नॉर्मल टाइप के, स्पेशल टाइप कौन से होते हैं, बल्क डेंसिटी 600 से 1000 मीटर क्यूब होती है, फॉर मेकिंग साउंड प्रूफ सीलिंग एंड वॉल। इसमें क्या होता है कि 600 से 1000 किलोग्राम पर मीटर हल्की होती है, इसमें पार्टिकल बिल्कुल फाइन यूज में लिए जाते हैं। किस लिए यूज में लिए जाते हैं, साउंड प्रूफ सीलिंग बनाने के लिए, वॉल्स बनाने के लिए, ताकि इसमें साउंड ट्रेवल ना करे। ये अपने सीमेंट सीमेंट मोटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वैसे टाइप के पर ये देखो प्रेशर गन से भी आपका जनरल तो लेइंग कर रहे हैं, और ये प्रेशर गन से भी वॉल के ऊपर लगाते हैं। प्रेशर से फिल करा, उसके ऊपर पूरे के ऊपर इस तरह से प्रेशर से लगा देते हैं, बाद में इसके ऊपर हाथ एक हाथ फिरा देते हैं। ये जनरली प्रेशर से वहाँ यूज़ में आता है जहाँ पर ब्रिक का साइज़ बिल्कुल एग्जैक्ट हो। ठीक है, आजकल आपने देखा हो सीमेंट की जो ब्रिक है, सीमेंट ब्रिक्स आती है, या फिर वो फ्लाई ऐश की ब्रिक्स आती है, बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ की आती है। अपनी जो ब्रिक्स होती है, ये तो कहता है गर्म पकाते हैं इसको भट्टी के अंदर, तो कितनी पकेगी क्या नहीं पकेगी, पकने के हिसाब से साइज़ चेंज आता है इसके अंदर। लेकिन सीमेंट और फ्लाई ऐश की ब्रिक्स होती है, उसमें कुछ पकाने का रोल होता नहीं है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि साइज़ बिल्कुल इक्वल रहता है, मशीनों से बनती है, साइज़ इक्वल रहता है, तो वॉल भी इक्वल बनती है। वॉल वगैरह इक्वल बनने से क्या होता है फिर कि उस पर फिर प्लास्टर का रोल थोड़ा कम हो जाता है। प्लास्टर ना करके डायरेक्टली आजकल लोग क्या करते हैं, POP भी कर देते हैं सीधा, बिल्डर वगैरह क्या करते हैं डायरेक्ट POP कर देते हैं इसके ऊपर। लाइम मोटर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ लाइम विथ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ फाइन सैंड सुर्खी, ठीक है, प्यूमिस हैश इन द मोटर, तो ये फ्लाई ऐश हो गया।
अब किसी को पूछना है पूछ सकता है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। किसको क्वेश्चन, कोई सुन रहा हो, जागा हुआ हो कोई?